सो हे गाइस, दिस इज अरुणा सिंह एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपका जो कंसर्न था ना कि नीट एग्जाम पोस्टपोन होगा कि क्या होगा भाई, होगा भी कि नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, फेजेस में होगा क्या, उसके रिगार्डिंग यू नो एक एड्रेसल आएगा MHRD की तरफ से जल्द ही। जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है कि हो सकता है आप आज 21st है, 22nd दैट इज मंडे को आपको ये न्यूज़ मिल जाए, नहीं तो अगले वीक तक यू नो आपको ये अनाउंसमेंट आ जाएगी MHRD की तरफ से, फाइनल डिक्लेरेशन कि भाई नीट का फ्रेश एग्जाम शेड्यूल क्या है। भाई तुम लोग ने जो यार ट्विटर पे जो यू नो ट्रेंड कराया ना यार, जो जेन्युइन कंसर्न था, हेल्थ ओवर एग्जाम, हेल्थ ओवर नीट, पोस्टपोन नीट, पोस्टपोन जेई, काफ़ी जेन्युइन था, जेन्युइन कंसर्न है। एंड स्टूडेंट्स का ये जो कंसर्न है ना, उसको एड्रेस किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, एंड नया एग्जाम डेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। व्हाट आई फील इज कि देखो यार, एग्जाम आप प्रिपेयर रहो, हो सकता है फेजेस में कराया जाए, क्योंकि अगर पोस्टपोन कर रहे हैं ना 26 के जुलाई का एग्जाम भी, तो याद रखना फिर वो सितंबर में करीब कराएंगे, ठीक है, तब तक कोरोना पूरा यू नो अज्यूम करते हुए कि सबसाइड कर जाए, अज्यूम करते हुए समझ लो, नहीं तो अगर कराना है इनको तो इनमें फेजेस में कराना पड़ेगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन किस जोन में कितना कितने कोरोना के पेशेंट है उसके हिसाब से ये फेजेस में पेपर करा सकते हैं। माइंडेड गाइस, फेजेस में पेपर कराने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए जेई मेन का भी जब पेपर होता है ऑनलाइन जब से शुरू किया वो फेज में कराते हैं, आपको डेट्स प्रोवाइड कर देते हैं एक हफ्ते बाद की, दो दो हफ्ते बाद की, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स को, डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, एंड वो फिर अपने कंप्यूटर सेंटर पर जाके पेपर दे के आते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट होता है और एक इवनिंग शिफ्ट होता है, जैसे एम्स का मैंने कंप्यूटर का पेपर दिया था ना यार, ऑनलाइन पेपर दिया था, कंप्यूटर पे दिया था, तो मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था, ठीक है। 2019 का एम्स का पेपर 4 शिफ्ट में कराया गया था, 2 दिन में 2 शिफ्ट लगाए गए थे, मॉर्निंग एंड इवनिंग एवरी मतलब इन 2 डेज, राइट, तो टोटल 4 शिफ्ट थे, तो ऐसे भी पेपर कराया जा सकता है, ठीक है। पर अगर एक दिन अगर पेपर कराना है इन्हें ऑफलाइन मेथड में, तब तो यार आगे भी चल के यू नो काफी आगे की डेट इन्हें लेनी पड़ेगी। दिस इज वॉट माई एनालिसिस सेज, राइट। एंड गाइज, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, आप में से काफ़ी लोगों का जेन्युइन कंसर्न था कि भैया हाई यील्ड कोर्स का जो डेट है आप एक्सटेंड कर दोगे कि नहीं। डो नॉट वरी यार, मैंने बोला ना आपको कि आई हैव बिन सुपर फेयर एंड सुपर कमिटेड टू यू, कोर्स का डेट आप बोलो या ना बोलो एक्सटेंड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, डो नॉट वरी अबाउट इट, इफ यू हैव एनरोल्ड इन इट वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ यार, टेलीग्राम पे मैंने रियलाइज़ नहीं किया, फिजिकल केमिस्ट्री के 11th के पूरे चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के 11th के सब पूरे रैपिड रिवीजन मटेरियल जो होता है ना, माइंड मैप, फिजिकल केमिस्ट्री का अपलोड कर दिया गया है। 11th 12th का फिजिक्स का भी पूरा रैपिड रिवीजन मटेरियल कि आप 10-10 मिनट में एक चैप्टर के सभी फॉर्मुलेस यू नो फॉर्मुला शीट जो आप मांगते रहते हो ना, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा, इंसोनियन ARS नाम है, नीचे स्ट्रिप लगी रहती है वीडियो के, आप उसको देखो, स्टेप्स फॉलो करो एंड टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, ताकि आपको वो रिवीजन मटेरियल मिल जाए। 10 से 15 मिनट में आप एक चैप्टर आराम से निपटा दोगे, ठीक है, और अगर फॉर्मुलेस पहले से याद है तो 5 मिनट लगेगा, क्योंकि सब विजुअली बहुत ही ब्यूटीफुल माइंड मैप है। एक दो माइंड मैप का एग्जाम्पल मैं वीडियो के एंड में आपको दिखा दूंगा कि कैसा दिखता है माइंड मैप एंड कंसेप्ट क्या है उसका, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री कवर हो चुका है 11th का, 11th एंड 12th पूरी फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट माइंड मैप बन चुकी है, सभी चैप्टर्स के फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के उसके क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं, एक्सेप्ट 11th के कुछ चैप्टर्स बच गए हैं, 12th के कुछ चैप्टर केमिस्ट्री के बच गए हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन NCERT से बना है, NCERT का बायो का क्वेश्चन है, तो उसमें पेज नंबर अलॉन्ग विद द पैराग्राफ नंबर मेंशन है, ताकि आप टाइम सेव करो इस क्रूशियल मोमेंट में एंड दूसरों के ऊपर एज ले सको। फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्वेश्चंस अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पे PDF के फॉर्मेट में, ताकि आप ऑफलाइन भी उसे सॉल्व कर सको। एक PDF है क्वेश्चंस का और एक PDF है क्वेश्चन प्लस सोल्यूशन का, तो आपकी मर्जी है आपको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल PDF देख के आपको सॉल्व करना है तो कर लो, अगर तुरंत PDF वैसी चाहिए जिसमें क्वेश्चन के जस्ट बाद आंसर हो तो वो वाला PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मैं डाल देता हूँ माइंड मैप का, अब देख के समझ जाओगे कितना यूजफुल है। एंड आप क्वेश्चंस जो है वो तो PDF फॉर्मेट में यार वो टेलीग्राम पे ही मिल पाएंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस, फाइनली आपका बहुत बड़ा रिलीफ आपको मिलने वाला है कि डेट अनाउंस हो जाएगी, फाइनल डेट्स अनाउंस कर दी जाएगी, यू नो फ्रेश शेड्यूल, एग्जाम शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया जाएगा जल्द से जल्द। सो ऑल द बेस्ट यार।
सो गाइस फटाफट जानते हैं कि माइंड मैप कैसे दिखते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। देखिए ऐसे ब्यूटीफुल माइंड मैप्स हैं, सारे फॉर्मुलेस को, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हैं ना उनको कवर किया गया है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट, देखिए डायग्राम के साथ कवर किया है डिफरेंट कलर्स में, ताकि विजुअल इंप्रेशन ना बहुत बेहतर हो। आपको अभी पूरा दिख नहीं रहा होगा छोटे छोटे वर्ड्स इसके, पर आप जूम इन कर सकते हो, इसलिए मैं कह रहा टेलीग्राम पर चले जाओ, 11th 12th के पूरे माइंड मैप आपको मिलेंगे, फिजिक्स के, फिजिकल केमिस्ट्री के, 11th के हो गए हैं, 12th के आने वाले हैं, डू नॉट वरी, ठीक है। मैंने आपको बोला है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, तो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड इसी के साथ आफ्टर यू सी द माइंड मैप ना, आप इसी से रेलेवेंट जो चैप्टर के फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने क्वेश्चन डाल रखे हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन, उनको सॉल्व कीजिए। तो जैसे आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सारे फॉर्मुलेस देख लिए, इसके बाद क्वेश्चन लगा लिए, अपने वेव ऑप्टिक्स के सारे फॉर्मुलेस एक बार रिवाइज कर लिए, क्वेश्चन लगा लिए, आपने डुअल नेचर के फॉर्मुलेस देख लिए, क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। देखो रे ऑप्टिक का कितना ब्यूटीफुल है, आप यहाँ से एकदम जूम इन करके आप देख सकते हो अपने मोबाइल पर, अगर एक जगह आप सेव कर लो तो आप सोचिए कितने ईजिली आप रिवाइज कर पाओगे चीज़ें, क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको नोट मेकिंग ना नहीं आती होगी, एंड नोट मेकिंग से वो डरते होंगे, उनको टाइम वेस्ट लगता होगा, वो डायरेक्टली फॉर्मूला रटने की कोशिश करते होंगे, पर चैप्टर में तो फॉर्मूला स्कैटर होता है यार। पर मैंने आपके लिए क्या किया, टीम से बोल के सब जगह यू नो सभी चैप्टर्स के फॉर्मूले एक जगह आपको प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, एक एक शीट में देख रहे हो आप कितना ब्यूटीफुली ऐसे ऑर्गेनाइज कर दिया मैंने। सो आप माइंड मैप ज़रूर अवेल कर लीजिए, ऑल द बेस्ट यार।